आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बटर चिकन की बना रही हूँ। इसे आप रमज़ान में इफ्तार के टाइम बना सकते हैं या आपके घर में स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेड की दो स्लाइसेस ले लेनी हैं। मैंने दो स्लाइसेस ली हैं और इसके इनर कॉर्नर्स को कट कर देना है। फिर हम इसे रोलिंग पैन की हेल्प से या बेलन की हेल्प से इसे अच्छे से बेल लेंगे। जब हम इसे इस तरह से दबा कर बेलेंगे ना, तो ये जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं। इस तरह से इसे अच्छे से बेल लें। अब आपके पास अगर कटर हो, नहीं तो आप किसी भी कटोरी या ग्लास की हेल्प से आप इसे कट कर लें, अच्छे से प्रेस कर दें, या फिर नाइफ की आपको ज़रूरत लगे तो आप नाइफ की ज़रूरत से हेल्प से इस तरह से ऐसे कट करें। बिल्कुल हमारा राउंड शेप में हमारा ये पॉकेट तैयार हो जाएगा और जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट्स और ये है इनर को, इन्हें हम एज अ ब्रेड क्रम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर आपको लगे कि आपके सील्स खुल तो नहीं रहा, तो इसे पानी की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। देखिए, मैं इस प्रोसेस से मैंने कई सारे पॉकेट्स बना लिए हैं रोलिंग पैन से बेल कर। फिर हमें इसे किसी भी कटर से या ग्लास कटोरी से बेल लेना है। चलिए चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने स्टफिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा बटर डाल दिया, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। मैं सबसे पहले इसमें मैंने लहसुन को बारीक कट करके डाल दिया। मैं लहसुन को भून लेना है जब तक इसका कच्चापन जो है निकल ना जाए। और मैंने बाउल में इस तरह से चिकन के पीसेस ले लिए, उन्हें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बोनलेस चिकन ले, लहसुन का कच्चापन निकलने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हमारा ये जो बोनलेस चिकन था ना, हम सारे इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बिल्कुल चिकन के छोटे छोटे पीसेस जितने हो सके उतने छोटे पीसेस करें। अब इसे ढक देते हैं सात से आठ मिनट या लगभग 10 मिनट। हमारा चिकन जो बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा, तो इसे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा चिकन जो बिल्कुल अच्छा निकल चुका है। मुझे इसे लगभग पकाते हुए 6 से 7 मिनट में जितने हमारे चिकन सॉफ्ट हो गए थे, कुछ चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल कर देती हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इन्हें अच्छे से मिक्स करके मैं यहाँ पर तंदूरी मेयोनीज का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 चम्मच तंदूरी मेयोनीज डाल दे रही हूँ और 1 चम्मच टमाटो केचप। इससे हमारे चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें चिकन के साथ। अब लास्ट में मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि प्याज टमाटर, इनके बीजे निकाल लिए होंगे। पत्ता गोभी से बारीक कट कर लिया। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर लाने तक हमें थोड़ा सा पकाना है। सब चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स करें। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग बनकर तैयार हो रही है। बहुत ज़्यादा से मसाले यूज़ करने की जरूरत है, तो इसमें लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल दूंगी। चिकन में चाट मसाला का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस सब चीज़ों को बस हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। आपकी मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ यूज कर सकते हैं। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब इसे हमें ठंडा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग बन गई। जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस कट किए थे ना, बस अब हमें इसके छोटे छोटे काम करने कर लेते हैं। ये ब्रेड एक स्लाइस को उठाना है
अब ये जो मैंने अंडा आपको दिखाया था, बस उस अंडे के बैटर इसे डालना है। इसे दोनों साइड से अच्छे से डिप करके अंडे के बैटर के ऊपर, अब हमें इसे बिल्कुल आसान हल्के हाथों से इसे जो ब्रेड क्रम्स जो हमने जब ब्रेड को कट किया था इसके साइड्स के जो इनर कॉर्नर थे ना, उसे ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर लिया है। तो बस इसे अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देना है, एक्स्ट्रा जो है पार्ट उसे झाड़ लेना है। अब हमारे जो ब्रेड क्रम्स बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पॉकेट्स बनकर तैयार है। इसी प्रोसेस से हमें सारे पॉकेट्स को तैयार कर लेना है। सबसे पहले हमें ये अंडे वाले मिक्सर में डालना है, दोनों साइड से इसके ऊपर अच्छे से अंडे के मिक्सर को लगा लेना। आप चाहें तो अंडे में नमक भी डाल सकते हैं, पर हमारी स्टफिंग में नमक बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं नमक इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ। अब इसे ब्रेड क्रम के ऊपर अच्छे से कोट कर देना है। हमारे बहुत ही क्रिस्पी से पॉकेट बनकर तैयार होंगे। एक्सेस पार्ट को छाड़ दें। ये देखिए मैंने दो पॉकेट्स इस तरह से रेडी कर लिए, सारे पॉकेट्स को इस तरह से आप रेडी कर लें। फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ब्रेड के पॉकेट्स को बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने सारे पॉकेट को अंडे के मिक्सचर में एक बार अच्छे से डिप करके फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को कोट कर लिया। चलिए हम उन्हें चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया। अब हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हमारे जो ये ब्रेड के पॉकेट्स थे ना, इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, वरना हमारे जो ब्रेड क्रम्स है वो जल जाएंगे। एक बार में जितने आए उतने ही डालें। फ्लेम को मीडियम या लो ही रखें। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से फ्राई करना है। मैंने एक बार में तीन पॉकेट्स को डाल दिया है। अभी इसे बिल्कुल भी अच्छा हूँ, एक मिनट के बाद दो मिनट में हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। बिल्कुल हमें इसे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये फ्रेंड्स, हमारे कितने फ्लफी फ्लफी से ब्रेड के पॉकेट्स बनकर तैयार हो रहे हैं ना। और जो हमने इसमें एग का मिक्सचर लगाया है, एग का, उससे ही बिल्कुल भी एक्स्ट्रा तेल नहीं ऑब्जॉर्ब करेंगे। देखिए हमारे फ्लफी फ्लफी से इसी प्रोसेस से हम सारे पॉकेट्स को फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कितने फ्लफी से पॉकेट्स बनकर तैयार है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह से इसे असेंबल करना है। ये देख रहे हैं ना आप भी, इस तरह से बिल्कुल इजी प्रोसेस से बना सकते हैं चाकू की हेल्प से। सबसे पहले ना मैं सेंटर के पार्ट को इस तरह से कट करना है, इसके टू पार्ट्स में से डिवाइड कर देना है। देखा आपने, अब जो मैंने यहाँ पर तंदूरी सॉस यूज़ की है, आप चाहे तो इंस्टेंट सॉस बना सकते हैं जिसमें आप मेयोनीज और टमाटो केचप और चिली सॉस को मिलाकर सॉस बना सकते हैं। इसके अंदर हमें अच्छे से सॉस को फिल कर देना है, बहुत ही हमारे स्पाइसी से मज़ेदार से चिकन पॉकेट्स बनकर तैयार होंगे। अब जो हमारी ये स्टफिंग मैंने बना के रखी थी ना, बस उस स्टफिंग को अच्छे से इसमें फिल कर दे। देखिए देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। आप चाहें तो थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से बंधा गोभी के पत्ते को इस तरह से कट करके इस पर लगा देती हूँ, जिससे कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। आप अपने मनपसंद से किसी भी तरह से सजा सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी और ये सॉस लगा दें। तो बस हमारे मज़ेदार से चिकन पॉकेट्स बनकर तैयार है। आप भी इस प्रोसेस से बना सकते हैं। इसी प्रोसेस से सारे पॉकेट्स को रेडी कर लें। आप भी मज़ेदार से इस तरह से चिकन ब्रेड पॉकेट्स बना सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रमज़ान में आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। इफ्तार में आपके घर पर स्पेशल कोई गेस्ट आए तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।